हाय ब्रो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो वीडियो लेके आई हूँ मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। इसमें है कॉफी टेबल, प्लास्टिक का छोटा सा कॉफी टेबल है। तो इसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और रिव्यू भी देने वाली हूँ। इसका क्वालिटी वगैरह कैसा है, आपको बाय करना है या नहीं करना है। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाला बेल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको जल्दी से नोटिफाई जाएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, फैन पेन के साथ शेयर भी कर देना। तो ये रहा इसका पैकेजिंग, कुछ इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है। इस लाइट वेट है, ज्यादा वेट भी नहीं है। ये जो है 1.55 केजी का है। तो देख लेते हैं, ये ब्राउन कलर में मुझे मैंने ऑर्डर किया था। तो इसका इमेज प्राइस स्क्रीन को पे डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी, आपको अगर बाय करना है तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो छोटा सा है। इसका पैकेजिंग खोल लेते हैं और इसका जो प्राइस रहता है 650 के अंदर में आपको मिल जाएगा। अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी सेम ही रेट है। तो इसको इसके अंदर और एक पेपर का पैकेजिंग है, तो इसको निकाल देते हैं। ये रहा इसका पेपर के अंदर रैप किया गया है। तो ये रहा, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये ब्राउन कलर में है, छोटा सा है और बहुत ही लाइट वेट भी है, ज्यादा वेट नहीं है इसका। तो ये रहा, आपको इसको भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये रहा ब्राउन कलर में है और ये जो है इसका ऊपर का है। तो ये रहा, ये बहुत ही लाइट वेट है और ये बहुत ही पतला भी है, जो प्लास्टिक है हार्ड प्लास्टिक नहीं है। देखिए तो इसका जो लोड का कैपेसिटी है 10 केजी कैपेसिटी है इसके। इसके ज्यादा वेट इसके अगर इसके ऊपर डालोगे तो ये टूट सकता है, क्योंकि बच्चे जैसे होते हैं इसके ऊपर चढ़ जाता है या बैठ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर, अगर बैठेंगे चढ़ेंगे तो ये पूरा डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पतला है, ज्यादा इसमें ये ज्यादा वेट नहीं सह पाएगा। तो ये रहा इसके पीछे में कुछ इस तरह से है और आगे में इसका डिजाइन ये रेक्टेंगल की शेप में है इस तरह से। आपको मिल जाएगा ब्राउन कलर, इसका दो कलर अवेलेबल है, एक आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर का और एक ब्राउन में ब्राउन कलर का। इसका जो ये जो है लेंथ इसका आपको मिलेगा 23 इंच का और इसका जो साइड का ये साइड का आपको 16 का मिल जाएगा और ये जो हाइट इसका आपको 18.5 इंच का मिल जाएगा हाइट इसका। तो ये रहा इसका ऊपर और आपको पूरा मैनुअल दिया गया है, आपको कैसे फिटिंग करना है क्या करना है आपको पूरा आपको बताया गया है। ये रहा इसका जो क्वालिटी है, मैं कहूंगी ओके, ज्यादा गुड नहीं है, ज्यादा बैड नहीं है, क्योंकि वो जो रहता है ना वो बहुत ही पतला रहता है, ये डैमेज हो सकता है। इसका जो वारंटी है आपको 3 मंथ का वारंटी आपको मिलेगा। तो ये रहा इसमें आपको ये 4 मिल जा रहा है, इसको फिटिंग करके आपको दिखाऊंगी। और ये व्हील भी आपको मिल रहा है, कहीं से कहीं पे लेने में बहुत ही इजी होगा, क्योंकि ऐसे उठाओगे तो ये खराब हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये व्हील दिया गया है, कहीं पे आप आराम से ले सकते हो। तो ये आपको 4 मिल जाएगा, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही पतला है, आपको बता दे रही हूँ पहले से। इसका क्वालिटी ओके है, ज्यादा खराब नहीं है, ज्यादा भी अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये ओके हुए है। इसको रेटिंग में 3 रेटिंग दूंगी, 5 से 3 रेटिंग दूंगी, क्योंकि इसका ये खराब हो सकता है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो वो इसके ऊपर बैठ जाते हैं या कुछ कर देते हैं तो ये डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसका प्लास्टिक का क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको पास से दिखाते हुए कितनी बेंड भी हो जा रहा है, मैं ऐसे हाथ में कर रही हूँ ना, ये बेंड भी हो रहा है, ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, बहुत ही पतला है। आपको पास से दिखाती हूँ, देख सकते हो बहुत ही पतला है, ये डैमेज आराम से हो सकता है, लेकिन काम चल सकता है। आप जो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत दिन भी जाएगा, कुछ खराब नहीं है, क्वालिटी ओके भी है, प्राइस के अनुसार ठीक ठाक है। तो इसको मैं नीचे लेके आपको फिटिंग करके दिखाती हूँ कैसे फिटिंग करना है। तो बता देती हूँ आपको यहीं से, और फिटिंग करके भी दिखा देती हूँ। पहले आपको ये नीचे रखना है, ये नीचे वाला ये
जो स्टिकर, ये जो स्टिकर है आपको दिखा देती हूँ, ये जो स्टिकर लगा है ये ऊपर है, ऊपर में आपको रखना है, ये नीचे में रखना है, और नीचे रख के आपको पहले इस तरह से आपको फिटिंग करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही टाइट है, आपको जोर से प्रेस करके इसको ऐसे लगाना है। लगा देती हूँ इसको नीचे रख के, आपको इसे घुमा के इसको आपको डालना पड़ेगा। बहुत टाइट भी है, लूज भी नहीं है ज्यादा, जो कि निकल जाता है बार बार लूज होता, तो बहुत ही टाइट है। आपको थोड़ा सा प्रेस करके इसको घुमा घुमा के आपको इसे फिटिंग करना है। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही पतला प्लास्टिक है, आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं लग रहा है, मैं आपको नीचे लगा के पूरा दिखा दूंगी। इसको रहने देती हूँ आपको, इसके बाद आपको इसमें व्हील भी फिक्स कर लेना चाहिए। इस तरह से इसको प्रेस करोगे तो ये व्हील अपने आप अंदर चला जाते हैं, और व्हील का क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी, कुछ खराब नहीं होगा। ये जो रहता है बहुत ही अच्छी है, ब्लैक कलर में है, आपको फोर व्हील इस तरह से आपको प्रेस करके इसको लगा देना है। ये रहा व्हील लग गया, और इसके ऊपर आपको जो ऊपर का है आपको लगा देनी है। और एक मेरा रह गया है, इसको मैं नीचे रख के फिटिंग करूंगी, क्योंकि ये जो हाथ से ऐसे करते हो ना, नीचे रख के करेंगे तो अच्छे से प्रेस करोगे तो अच्छे से लग जाएगा। लग गया मेरा, ये रहा, आपको नीचे रख के भी दिखा दूंगी कैसा है, क्योंकि अभी तो ऊपर रखा है तो ज्यादा अच्छे से आपको, तो आपको ये जो वाला है आपको ऊपर रखना है, ऊपर रख के और इसको चारों तरफ से प्रेस करके इसके अंदर आपको डाल देनी है। इसका फिक्स करना बहुत ही इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया। इसका जो हाइट है आपको ये 18.5 इंच का आपको मिलेगा, और ये जो है 23 आपको से 23 इंच का मिलेगा, और इसका साइड में आपको 16 का इंच मिल जाएगा। बहुत ही कितना छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आराम से आप इसमें बैठ के कॉफी मैगजीन वगैरह यहाँ पे रख के आप आराम से यहाँ पे बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। ज्यादा अभी हाइट नहीं है इसका, और आराम से इसमें काम चल सकता है। थोड़ा सा ध्यान से, ये क्योंकि बहुत ही पतला है, ये डैमेज हो सकता है, तो इसको नीचे में रख के आपको दिखा देती हूँ पूरा फुल इसका जो इमेज कैसा दिख रहा है और कितना बड़ा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो नीचे रख के मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरा ये कॉफी टेबल अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं बता दे रही हूँ इसका जो ये जो क्वालिटी वगैरह ओके ओके है, आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन इसका जो लोड का कैपेसिटी है वो 10 kg तक के है। ज़्यादा लोड दोगे तो ये खराब डैमेज हो सकती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन क्वालिटी वगैरह अच्छा है। लुक वगैरह भी आप देख सकते हो रेक्टेंगल शेप में है, और इसका क्वालिटी में कहोगे ओके ओके है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा खराब नहीं है, काम आ सकता है, कुछ भी खराब नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।